जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 2 है, ये पेज नंबर 21 है, एसएससी बोर्ड है क्लास 10th का पार्ट 1। अगर कोई भी आप वॉचिंग सेल करते हो जैसे 2 डेज के लिए, 3 डेज के लिए, जैसे आप कोई भी वॉच यानी सेलिंग करते हो या जो भी आप बाय करते हो, परचेस करते हो डिजिटल वॉच, कोई सी भी वॉच, उसका कितना डिस्काउंट मिलेगा और क्या रहेगा। जैसे सेल खरीदेंगे, वन डे में कोई सेलिंग करेगा तो अलॉन्ग वॉच कितना रहेगा लाइक 11, और डिजिटल वॉच जैसे 6 है और उसका रिसर्वड अमाउंट इतना है। और वही सेल सेकेंड डे में हम सेम देखते हैं तो वो वॉच का जो एनालॉग यूर जो रहता है वो 20, देन डिजिटल वॉच कितना हो गया 5। अब उसका जो रिसर्वड अमाउंट है 7,330 रुपया। तो हमें फाइंडिंग करना है कि सेलिंग प्राइस रिस्ट वॉच टू ईच टाइप, यानी रिस्ट वॉच यानी कितने टाइप के वॉच थे, ईच टाइप यानी हर एक का प्राइस हमें पता करना है कि उसका सेलिंग प्राइस का क्या था। तो जैसे इसमें सेलिंग प्राइस हमने बताए थे कि एनालॉग वॉच बाय रुपीस। अब इसको जो एनालॉग है हम लोग उसको देख लिए कि वो एक्स है। अब सेलिंग प्राइस जो डिजिटल वॉच है, डिजिटल वॉच को हमने वाई सपोज के, अब फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या बताया है, फर्स्ट कंडीशन 11x प्लस 6y इज इक्वल टू 4330, बिकॉज इसमें 4330 कैसे हुआ, एनालॉग वॉच हमारा कितना था 11, तो हमने इसको 11x सपोज किया, और डिजिटल वॉच हमारा क्या था 6, तो हमने इसको y सपोज किया, और टोटल हमारा प्राइस इतना था। सेम इसको सेकेंड डे का भी हम 22 एनालॉग वॉच लिखेंगे x और डिजिटल वॉच y सपोज करेंगे, इक्वल टू 7330 हम सपोज करेंगे। आप देख सकते हैं हमने दोनों को सपोज किए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सपोज बना लिए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप देखेंगे तो इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी आप इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इजीली कैलकुलेट हो सकता है। तो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर लिए है 2 का, अब ये इक्वेशन हमारा 3 बन जाएगा, ये इक्वेशन हमारा 2 बन जाएगा। अब उसी के बेसिस पर आप देखेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट सब प्लस रहेगा तो सब्ट्रैक्ट, प्लस रहेगा तो सब्ट्रैक्ट, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा -12 में से 5 निकालेंगे तो -7x आ जाएगा, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -11330 ये हमारा आ गया। अब y से इसको कैंसिल करेंगे तो y से इजिली कैंसिल आउट हो सकता है, तो y इज इक्वल टू 190 हो जाएगा। सेम अब ये जो y की वैल्यू निकली है, या आप इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3, x की वैल्यू निकल सकती है। तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करें तो y की वैल्यू कितनी थी 190 पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल गई, यानी हमारा जो एनालॉग वॉच है, यानी जो एनालॉग वॉच का यानी वन वॉच का हमें प्राइस देखना था कि सेलिंग प्राइस कितना है 290 है। वहीं सेम वाई का देखेंगे, जैसे डिजिटल वॉच हमारा वन यानी डिजिटल वॉच का जो प्राइस था सेलिंग प्राइस वो 190 था। तो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन जरूर करेगा। सो जय हिंद दोस्तों।